हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है अनहिंज्ड और हिंदी में इसका मतलब होता है पागल। मूवी की ओवरऑल लेंथ सिर्फ 1.5 घंटे की है और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। ये Zee5 ऐप पर अवेलेबल है। अब ये मूवी सजेस्ट किए मेरे दो सब्सक्राइबर्स ने, जिनका नाम है विकास जो कि ओडिशा कटक के रहने वाले और दूसरा है अब्दुल माजिद भाई। तो यार थैंक यू सो मच आप दोनों लोगों का। तो इसी तरह से मूवी सजेस्ट करते रहिए। चलिए बात करेंगे इस मूवी की। तो देखिए प्लॉट वैसे तो शुरू होता है टॉम कूपर से, लेकिन उससे रिलेटेड यहाँ पर जो जो चीज़ें बताई है, यानी कि फर्स्ट सीन में हमें जो जो चीज़ें बताई है वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक सरप्राइज पैकेज है और आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे जो वहाँ पर आप देखने को मिलेगा। खैर आप बात करेंगे इस मूवी की प्लॉट की, तो कहानी फोकस करती है रेशल फ्लेन और उसकी फैमिली पर। रेशल न्यू ऑरलियंस में रहती है, इसका अभी अभी डिवोर्स हुआ है। रेशल दिमागी तौर पर बहुत ही गर्म मिजाज की, यानी कि वो थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा हो जाती है और रेशल की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब रेशल अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही होती है, तभी रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। अब इसके बाद रेशल के साथ क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पर मूवी की शुरुआत में ही मेकर्स ने हमें रियल फुटेजेस बताया US की, जहाँ पर रोड पर एक्सीडेंट होते हैं और किस तरीके से थोड़ी थोड़ी बात पर वहाँ के लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं, फिर वो झगड़े को कहाँ तक लेके चले जाते हैं और उस वक्त वो खुद को भुला देते कि वो सामने लोगों किस हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी कि उस फुटेजेस के थ्रू ही हमें काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है कि मूवी में हमें क्या देखने को मिलेगा। और ओवरऑल ये मूवी का बनाने का बस एक ही मकसद था कि आज की तारीख में लोगों के अंदर इतनी सारी नेगेटिविटी आ गई और पेशेंस लेवल इतना कम हो गया है कि छोटी सी बात जिसको इग्नोर करके भी हटा सकते थे, लेकिन उस बात को लेकर भी बड़े से बड़े झगड़े हो जाते हैं और जिंदगी और मौत तक की बात आ जाती है। तो कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर ये पूरी मूवी को बनाया गया। उसके इस मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पास दो ही कैरेक्टर है, एक तो टॉम कूपर का, दूसरा रेशन फ्लेन का, जिनको इस पूरी मूवी में बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया मैं तो बोलूँगा। क्योंकि टॉम कूपर के बारे में भी यहाँ पर बताया तो नहीं, लेकिन हाँ बैकग्राउंड में हमें सुनने को मिलता है कि इसके पास्ट में इसके साथ क्या कुछ होता और प्रेजेंट में इसकी सिचुएशन से गुजर रहा है और किस वजह से इसकी दिमागी हालत इस तरह की, ये हमें सुनने को मिलता है। तो उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि हाँ यस, उस कैरेक्टर के बारे में इतना तो बताया कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि भाई वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। उसके अलावा रेशन फ्लेन के बारे में यहाँ पर इतना तो बताया कि आप लोग इजीली उस कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाते हो। मूवी की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो यार गजब के एक्शन सीन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, स्पेशली चेजिंग सीन्स जो कि मुझे बहुत अच्छा लगे। और इस मूवी की BGM की बात करो तो यार एज ऑफ द सीट किसको बोलते हैं वो चीज़ आपको फील आएगी इस मूवी को देखते दौरान। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो रसेल क्रो ने वाकई में अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस दिया, यानी कि उनसे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जो उन्होंने यहाँ पर किया। और मैंने कई जगह पे सुना भी कि उन्होंने पर्टिकुलर इस मूवी में इस रोल के लिए वेट भी गेन किया। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो यार बहुत बड़ी बात है। और सही में वो एक साइको दिख भी रहे इस पूरी मूवी में और उनसे भिड़ना कोई भी नहीं चाहेगा अगर रियल लाइफ में सारी सिचुएशन हो जाए तो। उसके अलावा जो फीमेल एक्ट्रेस है उसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। अब बात करेंगे इस मूवी की कुछ नेगेटिविटी की, तो देखिए अगर स्टोरी वाइज देखा जाए तो ये इलॉजिकल लगता है, यानी कि कहीं से भी लॉजिक नहीं लगती है। अगर ये सारी चीज़ें इंडिया में हो रही होती तो एक तरह से मैं मान भी लेता कि हाँ चलो चलता है, लेकिन US में एक ऐसा साइको घूम रहा है जो मर्डर पे मर्डर किया जा रहा है, यानी कि बहुत सारा आतंक फैला रहा रोड पे और उसको पुलिस नहीं पकड़ पा रही। और यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि बॉलीवुड में कैसा फिल्मों में बताता है कि सब कुछ होने के बाद पुलिस हमें नज़र आती है, तो वैसे इस मूवी में भी सब कुछ होने के बाद ही पुलिस आती है, जो कि मुझे थोड़ा बहुत खटक रहा था। और ये इस पूरी मूवी का माइनस पॉइंट है, यानी कि सीधे शब्द में बोलूं तो अगर आप लोग बहुत सोचते समझ के मूवी देखते हो या अगर मूवी के दौरान आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चलते हैं तो ये मूवी आपको इलॉजिकल लगेगी। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ एंटरटेनिंग पर्पज से मूवी देखते हो, जहाँ पर आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें लॉजिक क्या है इलॉजिक क्या है, तो ये मूवी वाकई में आपको एज ऑफ द सीट रखेगी। मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक लगा और मैं उन लोगों में जो मूवी को एंटरटेनिंग पर्पज से देखते हैं। एडल्ट गाइडेंस की बात करें तो ये आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, यहाँ पर कोई भी एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ वॉयलेंस के सीन है तो ये ध्यान में रखना। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 7/10। मेरे हिसाब से ये आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। एटलीस्ट इस मूवी का स्टार्टिंग के हाफ एन आवर देखो, अगर आपको ऐसे लगता है तो कंटिन्यू करो, अगर नहीं लगता तो कोई बात नहीं यार। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, ज़्यादा अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल दुआ में याद रखना। बाय।